हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास. वंस अगेन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योर सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी एंड आपका टॉपिक है निसर्ग साइक्लोन. सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली सो डैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर प्रोजेक्ट. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता है कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट इंडिया का जो है वो अरेबियन सी है और अरेबियन सी के ही रास्ते से इसका पाथ जो है वो प्रिडिक्ट किया गया था कि निसर्ग साइक्लोन जो है वो अरेबियन सी के रास्ते से इंडिया में एंटर होगा. नाउ यू सी जो इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट किया था कि ये महाराष्ट्र से होता हुआ गुजरात को हिट करने वाला है साइक्लोन और ये मुंबई देन दमन एंड दीव देन थाने को जो है वो रेड अलर्ट के ऊपर रखा गया था. बट ये रायगढ़ के रास्ते से इंडिया में एंटर हुआ देन पुणे और फिर अहमदनगर देन नासिक से होता हुआ एमपी के सेंटर तक पहुंच गया. हालांकि एमपी तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड काफ़ी कम हो चुकी थी सो वहां पे इतना डिस्ट्रक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला. सो विच वर द स्टेट्स मोस्ट अफेक्टेड, तो उसमें आ जाएगा आपका महाराष्ट्र और गुजरात. और ये जो साइक्लोन निसर्ग है इसकी वजह से लैंडफॉल भी प्रिडिक्ट किया गया था. लैंडफॉल का मतलब होता है कि जब साइक्लोन जो है वो पानी से सरफेस की तरफ एंटर होता है तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान जो है वो क्रिएट होते हैं. सो मुंबई जो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रही थी हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी टाइड्स, तो उसको रेड अलर्ट पे रखा गया. एंड इट वाज़ द फर्स्ट साइक्लोन इन द मुंबई जिसका इम्पैक्ट मुंबई पे नज़र आता, क्योंकि इससे पहले मुंबई में पिछली एक सेंचुरी से कोई साइक्लोन जो है वो नहीं आया था. प्रीवियसली जिस साइक्लोन का आपने नाम सुना हुआ है सुपर साइक्लोन अम्फान, जो जिसने इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को नियर अबाउट 2-3 वीक्स पहले जो है वो हिट किया था और इससे मेनली जो स्टेट्स इफ़ेक्टेड हुई थी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश में भी इसको एक्सपीरियंस किया गया. तो कंपैरेटिवली जो निसर्ग है उसकी जो स्पीड है अम्फान के कंपैरेटिवली काफ़ी कम थी, बट इससे होने वाला जो डिस्ट्रक्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा था. और इसी वजह से जो इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ऑलरेडी पहले से ही जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया था. जो फिशरमैन थे उनको मना किया गया था कि उनको वार्न कर दिया गया था कि वो सी में नहीं एंटर करेंगे. देन आसपास के जो विलेजेस थे और जो बस्तियां थी उनको इवैक्यूएट कराया गया था, खाली करवा दिया गया था. इसके अलावा जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जो हैं वो उनको फॉलो किया जा रहा था. देन सेफ शेल्टर्स का अरेंजमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से जो है वो किया गया था सो दैट द पीपल कैन बी मूव्ड क्विकली देयर. तो इस टाइप के अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे थे. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हाउ द निसर्ग वॉज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल साइक्लोन्स, कैसे यूजुअल साइक्लोन से डिफरेंट था निसर्ग. तो देखिए साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपैरेटिवली टू द अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन्स. इसका रीज़न क्या रहता है, क्योंकि हाई सी सरफेस टेम्परेचर जो है वहाँ देखने को मिलता है. और एक और अनयूजुअल थिंग जो हमें देखने को मिली वो ये थी कि जो पोस्ट मॉनसून साइक्लोन्स थे वो तो अरेबियन सी में पहले से ही एक्सपीरियंस किए गए थे, बट ये जो प्री मॉनसून साइक्लोन है ये आज तक नहीं आया था. मॉनसून से भी पहले साइक्लोन का आना ये एक अनयूजुअल थिंग थी जो कि 2019 से हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो यू कैन से कि अनयूजुअल थिंग्स हैव स्टार्टेड टू हैपन फ्रॉम द 2019. अब बात करेंगे कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है. देखिए तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन है, ईच ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन इन द वर्ल्ड, उनकी अपनी एक नेम्स की रोटेटिंग लिस्ट चलती है. और जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आते हैं उसके लिए 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. और उसी में यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक को एग्री करते हैं ये 8 के 8 कंट्रीज़ जो 2004 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन. और वही इन साइक्लोन्स के नेम जो हैं वो सजेस्ट करते हैं यही 8 कंट्रीज़. ये कंट्रीज़ कौन से हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमन, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड. तो जो निसर्ग नेम है डेट वॉज सजेस्टेड बाय द बांग्लादेश, और इससे पहले जो अम्फान आया था उसका नेम जो है वो थाईलैंड ने सजेस्ट किया था. और अगर इन फ्यूचर भगवान न करे कोई साइक्लोन आता है तो उसका नेम इंडिया की तरफ से सजेस्ट होगा और उसका नाम होगा गति.
सो कीप इन माइंड IMD क्या है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 और ये एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जितने भी कंट्री में सिस्मोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं ये उनके ऊपर नज़र रखती है और साइक्लोन्स को कैटेगराइज का करने का भी काम करती है। सो जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अम्फान को जो है वो सुपर साइक्लोन स्टॉर्म माना गया बिकॉज उसकी स्पीड जो थी वो 221 किलोमीटर पर आवर्स थी और ये जो आपका निसर्ग है इसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम थी, इट वाज बिटवीन 166 टू 220 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको जो है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा गया। इसके अलावा भी बहुत सारी और कैटेगरीज भी होती हैं। सो हेयर इज़ द डायग्राम यू कैन सी, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसको आप अपने कॉपी में भी बना सकते हैं जहाँ भी आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द निसर्ग साइक्लोन, इस इंफॉर्मेशन का फुल यूटिलाइजेशन कीजिए और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है वो प्रिपेयर कीजिए एंड रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस आर गिवन बिलो द वीडियो। थैंक यू।